जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं कमलेश आपके अपने चैनल इंटीरियर फर्नीचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसके अंदर मैं तीन ड्रावर चला के दिखाने वाला हूं। दोस्तों मैं जो ट्रिक बताऊंगा, अगर इससे लंबा बॉक्स है, अगर मान लीजिए बाय द वे 10 ड्रावर है, 5 ड्रावर है, 3 ड्रावर है, 2 ड्रावर है, 1 ड्रावर है, तो अगर आपको चलाना है तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा, जो मैं आइडिया आपको देने वाला हूँ, उस आइडिया से दोस्तों आप मतलब एक बॉक्स के अंदर कितना भी ड्रावर रहेगा 100% आप चला लेंगे। खाली आप वीडियो प्रॉपर लास्ट तक देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप कितना भी ड्रावर रहेगा आप 100% चला के देख लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो मेरा ड्रावर है उसके अंदर चैनल बांधेंगे। तो दोस्तों देखेंगे आप, तो हमारा ये जो चैनल है 18 इंच का है और हेफले कंपनी का है, सॉफ्ट क्लोज है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेपर से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ड्रावर में चैनल बांधने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए कई कारपेंटर दोस्त लोग क्या करते हैं, इसके सेंटर में बांधते हैं, तो मान लीजिए सेंटर में बांधने के लिए टेप लगाएंगे, मेजर करेंगे, मार्किंग करेंगे, तब इसको बांधेंगे। लेकिन दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, ये जो पौन इंच का प्लाई है, 18 mm, 19 mm, 20 mm जो भी है, इसको क्या करना, नीचे से ऐसे लेबल रख देना, नीचे के साइड से लेबल रख के और सामने से एक डोरा एक सूत छोड़ के ऐसा बांध सकते हैं आप कुछ इस तरह से। तो मतलब आपको मतलब जल्दी से मतलब कम समय में आपको ये चैनल लगा पाएंगे। अब सेम इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे साइड का भी चैनल लगा लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने चैनल को ड्रॉ में लगा लिया है। अब हम इसके अंदर मार्किंग कैसे करना है, कैसे दौड़ाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मतलब बॉक्स है, ये इसमें हमारा जो तीन फेसिया आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लेंगे। तो दोस्तों अब देखेंगे तो हमारा 24 इंच 6 सूत का मतलब ये जो हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 इंच 6 सूत है। अब हम उसको क्या करेंगे, तीन भाग में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 8 इंच 2 सूत आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 इंच 2 सूत का यहाँ मार्किंग कर देंगे और 8 इंच 2 सूत का यहाँ मार्क कर देंगे, और उसके बाद हमारा नीचे भी 8 इंच का 2 सूत का बच जाएगा। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, हम काट कोने की मदद से कुछ इस तरह से उतार लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा गाला है, ये समझो अपने को मालूम चल गया कि हमारा सामने का जो फेसिया है बराबर आएगा। अभी हमारा ये जो जगह है ये कम ज़्यादा आएगा, तो अगर आप ड्रावर का भी साइज लेके बनाना चाहें तो इसके अंदर अंदर का मतलब साइज लेके भी बना सकते हैं, और इसका थोड़ा बड़ा आएगा और इसका सेम आएगा, इसका थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन आप चाहे तो मतलब इक्वल साइज में तीनों बना सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने ये जो चैनल है, आपने देखा होगा हमने ये चैनल को नीचे प्लाईवुड रख के कुछ इस तरह से इसको फिटिंग किए हैं। तो क्या करना दोस्तों, ये जो मतलब जो पौने का पीस है, ये जो मार्किंग है, इसके ऊपर इस तरह से रख के मार्किंग कर देना है। मार्किंग के ये जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो मार्किंग दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख देना है, रख के यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है। अभी देखेंगे दोस्तों ये मार्क हो गया, ये मार्क हो गया, तो इस मार्क को भी हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से उतार लेंगे और ये वाले मार्क को अंदर तक उतारेंगे। गुनिया की मदद से हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इसको उतार लेंगे। सेम इसी तरीके से दोस्तों इस तरफ भी हमको कर लेना है। तो दोस्तों हमने इस तरफ भी मार्किंग कर लिया, इस तरफ भी मार्किंग कर लिया है। अब हम जो नीचे वाला मार्किंग है, उसके नीचे उसके मार्किंग से भी हम क्या करेंगे, ये 1.5 इंच ऊपर मार्किंग कर लेंगे। सेम इसी तरह उधर भी कर लेंगे और ये मार्किंग को भी हम क्या करेंगे, काट कोने की मदद से अंदर तक पूरा खींच देंगे। दोस्तों अब क्या करना है, ये जो हमने ऊपर वाला जो मार्किंग अंदर की तरफ मतलब लिया है, उसको क्या करेंगे, उसके नीचे एकदम सट के खिला लगा देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मतलब मार्किंग एकदम सट के खिला है, और सेम इसी तरीके से हम पीछे भी खिला लगा देंगे। तो दोस्तों देखेंगे आप कि हमने जो जो मार्किंग किया था वहाँ वहाँ पे हमने खिला लगा लिया है, मतलब चार जगह खिला लिया लगा लिया है। और नीचे हम खिला नहीं लगाएंगे, नीचे हम ऐसी आपको बताएंगे किस तरह से फिटिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे और यहाँ पे चैनल को फिटिंग कर लेंगे। लास्ट में आपको बता दूंगा दोस्तों कि ये पट्टी का जो मेजर रहता है वो कितना मतलब ऊपर नीचे जाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, चैनल को फिट कर लेंगे।
और चैनल फिटिंग करने के लिए दोस्तों इसको जैसे मान लीजिए ड्रावर में हमने सामने से एक स्विच छोड़ के मतलब चैनल को बांधा था, इसमें भी क्या करना है, सामने से एक स्विच छोड़ के अंदर की तरफ बांध देना है। तो अब देखेंगे दोस्तों हमने इस तरफ का भी चैनल लगा लिया है, इस तरफ का भी चैनल सेम तरीके से लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों नीचे का चैनल लगाएंगे। तो नीचे का चैनल किस तरह से लगाना है, ये जो अपना 1 इंच का प्लाई हम रख के चैनल को बांधे थे वही प्लाई यहाँ पे रख देना है। वही प्लाई रख के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे आप कि हमने इस तरफ का भी 3 चैनल लगा लिया है और इस तरफ का भी 3 चैनल लगा लिया है। अब हम दोस्तों ड्रॉ को अंदर डालेंगे और आपको दिखाएंगे कि सामने का जो मोहड़ी है उसके हिसाब से ड्रॉ है कि नहीं है। उसको मैं 1.5 इंच का जो कितना गैप आता है ये लगाने के बाद, मान लीजिए यहाँ पे भी हमने 1 इंच छोड़ा, यहाँ पे 1 इंच छोड़ा, यहाँ पे भी 1 इंच छोड़ा, तो कितना आता है मैं आपको कट कोना रख के दिखा देता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों ड्रॉ को इसके अंदर डाल लेता हूँ और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारा ड्रॉ लगने के बाद सामने से लेवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने सामने से एक सूत इसमें छोड़ा था और एक सूत इसमें छोड़ा था। तो दोस्तों हमने तीनों ड्रावर को इसके अंदर डाल दिया है। अब ये मार्किंग जो हमारा है, जो मतलब मान लीजिए एक मोड़ी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा और एक मोड़ी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा और एक मोड़ी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको कटकोना लगाता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो लमसम 3 सूत के आसपास गैप है। तो अगर आप जो मतलब ये चैनल बांधते हैं तो यहाँ पे भी अगर 1.5 इंच का प्लाई लगा के ड्रॉर में बांधते हैं और 1.5 इंच के मतलब हिसाब से इसके जो अपना मोहरी का धार है उससे ऊपर 1.5 इंच रख के अगर इसमें भी चैनल अंदर बॉक्स में बांधते हैं तो यहाँ पे आपको 3 सूत का गैप मिल जाएगा। और आप मान लीजिए कैसा भी हम लोग 1.5 इंच लूज ड्रॉ बनाते हैं तो आपको ऊपर भी गैप मिल जाएगा और नीचे भी गैप मिल जाएगा। कुछ इसी तरह से आप हर मतलब जगह को चेक कर सकते हैं। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पर भी गैप है और यहाँ नीचे भी मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पर भी गैप है। और मैंने आपको बोला था सामने एक डोरा इसको भी छोड़ के बांधना था, सामने से इसको भी एक डोरा छोड़ के बांधना, तो मैं आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ऊपर भी आप देखेंगे तो सामने से हमारा जो मोरिया है लेवल है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे धार पे भी इस पर भी पूरा बराबर है। मैं उस तरफ भी आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखेंगे इस तरफ भी तो बराबर है। दोस्तों इसी तरीके से आप एक से ज़्यादा ड्रावर चला सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को दोस्तों अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।